हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल शीतल्स गुड लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी पूजा मैं कर चुकी हूँ। टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ, 9:30 का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग में 9:30 बज रहा है और पूजा मेरी ऑलरेडी हो चुकी है। ये देखिए, तो पूजा मैं कर चुकी हूँ। वंश सो रहा है, वैसे वो बहुत मतलब पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है, बस उसको कोल्ड अभी भी है। कोल्ड और कप, वो दोनों चीज़ को अभी भी है, फीवर वगैरह अब नहीं है, अब ठीक है एकदम। तो मैंने सोचा चलो उसको रेस्ट करने देती हूँ। मैंने उसको नहीं उठाया अभी, वो अपनी मर्जी से ही उठेगा क्योंकि उसने रात में भी दवाई खाई थी, तो थोड़ा सा शायद लेट ही उठेगा। और अब मैंने कान्हा जी के लिए मैंने बनाई है मैगी, क्योंकि मेरा मन नहीं था कुछ भी खाने का, तो मैंने कान्हा जी के लिए मैगी बनाई है। ये देखिए मैगी रेडी है, बस कान्हा जी को देना है। और मौसम बहुत ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। मतलब आप देखो ना, मैंने ये हाफ स्लीव टी शर्ट डाली है ना, मुझे इसमें भी ठंड लगी। मैं ये सोच रही हूँ आज मैं सारे गर्म कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि वंश वंश के तो मैंने निकाल चुकी हूँ। मैं गाइस मेज पे ना बोला मेरे पे बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि मुझे भी कोल्ड हो चुका। मुझे नाइट में एक्चुअली गले में बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझे भी कोल्ड हो चुका है, तभी मैं बोल तो तभी मैं बोल रही थी कि मैं भी अपने निकाल लेती हूँ कपड़े, सारे गर्म कपड़े, क्योंकि मेरा मुझे कोल्ड हो गया है और मुझे लग रहा है मेरी भी तबीयत ना ख़राब हो जाए। आई होप कि मेरी तबीयत ना ख़राब हो, क्यों बस ये मेरी तबीयत नहीं ख़राब हो जाए, क्योंकि आपको पता है फेस्टिवल ही आने वाले, तो मैं नहीं तो मैं ठीक ही रहनी चाहिए हूँ इसलिए। तो अब मैं भी बस यही खाऊंगी, बस कान्हा जी को देने के बाद तो मैं भी यही खाऊंगी। तो इसके बाद वंश जब उठेगा तो इसको मैं सारा अलग से दूंगी, क्योंकि ये नहीं खाएगा ये, और अभी तो इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ये पराठा पूरी ये भी नहीं खाएगा, वो उसको नुकसान भी देगा ऑयली, तो उसको मैं सरलक्स दूंगी। थोड़ा सा वो इस मतलब वो ठीक भी है सरलक्स, वो खाएगा। भाई वंशी उठ गए, गुड मॉर्निंग मेरी बेबी, की तबीयत अब कैसी है? ये जस्ट अभी उठा है। आई मेरा जानू उठ गया, आज मामा के पास जल्दी आओ, मामा के पास आजा आजा आजा, मामा को हैंड दो, मामा को। आई मेरा बच्चा, इसको सरलक्स देती हूँ, इसकी तबीयत खराब है। ये कुछ नहीं खा रहा ना, रोटी ना पराठा, तो इसका हाँ गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग। अच्छा इसको कैप उड़ा देती हूँ, क्योंकि थोड़ी ठंड हो गई है, सबसे पहले इसको कैप उड़ाती हूँ। कैप ये पहन चुका है, कैसा लग रहा है गाइस वंश? तेरी बाबू ने कैप पहन ली। ये मैंने इसको इसलिए बनाई है क्योंकि अभी तो ज्यादा गर्म नहीं बना सकते, उसमें ज्यादा गर्म लगेगी, तो ये थोड़ी कॉटन की, तो ये बना दिया मैंने। चलो बेटा मम्मा पप्पू दे दिया, अब इसको मैं जरा पप्पू दे देती हूँ, ब्रेकफास्ट करेगा मेरा सोना भी। मेरा मूड ऑफ है बहुत ज्यादा। अभी देखो सुनीता नहीं आई, सुनीता ने रोज का ड्रामा कर दिया, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इससे। टाइम पता क्या हो रहा है, 1:30 बज चुका है, कितना वेट करूँ उसका, 1:30 बज चुका, उसने अपना फोन भी ऑफ किया हुआ है, और फोन के साथ साथ मतलब फोन ऑफ है तो मैं कहाँ से कॉन्टेक्ट करूँ उसको, और ना उसने मुझे कोई इन्फॉर्म किया कि भाभी मैं लेट आऊंगी या मैं आज नहीं आऊंगी, कुछ भी नहीं। मतलब मैं उसको इतना सपोर्ट करती हूँ, उसको जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है ना मैं उसको हमेशा छुट्टी देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है आप रेस्ट करो, और मतलब इतना मैं उसको कोऑपरेट करती हूँ उसको, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा करती है। अब मैंने सोच लिया है उसका रोज का ना ये सब मैं नहीं झेल पाऊंगी, मैं सोच रही हूँ कि मेड ही चेंज कर दूँ, मतलब मैं अब उसको नहीं रख पाऊंगी। मैं ये सोच रही, देखो सारे बर्तन पड़े, 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे बताओ, ये देखो ये क्या है, ये देखो अभी वंश के लिए मेरे को खाना ही बनाना है, कितने बजे तक वेट करूं, सारा देखो सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है गंदा, ये देखो मतलब उसने भी हद ही कर दी है, बहुत उससे फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ। अब मुझे यही करना पड़ेगा उसको, मैं अब नहीं रखूंगी, मैं उसको बोल दूंगी नहीं अब मुझे खुद ही करना पड़ेगा। अब मुझे करना हो तो मैं सुबह ही ना कर लेती, उसको तक क्यों वेट करती, मुझे पहले उसको पहले ही बोलना चाहिए तक, भाभी मैं आऊंगी नहीं आऊंगी लेट आऊंगी। अब मेरे को काम करना है गाइस, काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ, फटाफट वंश के लिए खाना बनाना।
और ये थोड़ा सा बेटर है, ये मेरा मूड ऑफ है, इसलिए मेरा बहुत अजीब हो रहा है मेरे को। एक तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से इसके नकरी जिलते रहो बस, तो कुछ पता है आता पता ही नहीं है उसको कुछ। उसको अगर अपनी मर्जी की मालकिन है, अपनी मर्जी की, जब मन करता है आती है, जब मन करता है फोन ऑफ कर देती है, ये कोई बात थोड़ी होती है। अब मैं सोच रही हूँ जब तक दूसरी मेड नहीं मिलेगी मैं अपने आप काम करूँ, अब मैंने यही सोचा है। हाँ जी बेटा, इससे भी लो पहले। बेटा क्या हुआ बताओ, ये देखो आज ही कश्मीरी बॉय बना हुआ है, सबको दिखाओ कश्मीरी बॉय, सबको दिखाओ ये कश्मीरी बॉय बना हुआ है, ये मेरा जादू कश्मीरी बॉय बना हुआ है। ओ चलो मम्मा भी, बट मम्मा काम कर रही है, सुनो ये देखो कश्मीरी बॉय, कश्मीरी बॉय ये। इसको आज मैंने कश्मीरी ड्रेस बना दी, गर्म है ये, अब मुझे ये नहीं पता बट इसको क्या बोलते हैं, जैकेट बोलते हैं क्या बोलते हैं, बस ये गर्म है तो मैंने इसको बना दिया। मैंने कहा चलो ये पहन लेगा क्योंकि ये इसी साल आएगा, अगली साल इसको ये नहीं आएगा, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। चलो गाइस मैं काम करती हूँ, काम करके बात करती हूँ, बाबू मम्मा के बाल छोड़ो बेटा, ठीक है गाइस मैं बात करती हूँ, काम कर लूँ, मुझे बर्तन साफ झाड़ू, मुझे दोनों मुझे ही करना है। चलो अब डेली मैं खुद ही क्या करूंगी, जब तक दूसरी नहीं मिलेगी अब मैं ही करूंगी, अब मुझे इसको नहीं रखना। चल बेटा खुद देखो, खुद ही झाड़ू लगा रहा है, मम्मा की हेल्प करोगे? हाँ तो झाड़ू भी नहीं पकड़ी जा रही, खुद ही लगा रहा झाड़ू, सुनो मम्मा की हेल्प करोगे? Thank you.
आ रहे हाँ? ये पता नहीं क्यों रो रहा है, जब से पढ़ता है साफ कंटिन्यू रो रहा है। इसको मैं कभी राइम सुना रही कभी कुछ, लेकिन छुपे नहीं हुआ है। सब सब देखो सब सोच रहे हैं आप क्यों रो रहे, देखो सब बोलेंगे कितना गंदा बेबी है, रोता रहता है हमेशा ना जी ना मेरे छोटू से बापू। चलो मम्मा बप्पू बनाइए फटाफट से, मुझे बप्पू बनाएगी मेरी जानू के लिए। नहीं मेरे बाबू को लो, ले कर ले, मेरे बाबू को आंसू आ गए, आंसू आ गए। नहीं ये चीटिंग हो गए, नहीं लगा दूं से भी लगा दो, ये लो आप लगा लो, ये लो आप लगाओ लगाओ, नहीं लगाना मम्मा लगा के अपने आप। गाइस सारा काम हो चुका, झाड़ू पोछे भी हो चुका, बर्तन भी मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अभी कर रहा है बस मेरा काम फिनिश। इसके लिए बस मुझे खाना बनाना है फटाफट से, मैं खाना बनाती हूँ, इसके लिए काम फिनिश हो गया है। और आज मेड की वजह से मेरा बड़ा मूड ऑफ है, सुनीता ने मेरा मूड ऑफ कर दिया है, बट यही मेरा आज डिसीजन है कि मैं अब उसको आगे नहीं कंटिन्यू रख पाऊंगी। क्योंकि देखो आपको ही पता है ना कितनी बार ही लेट हो चुकी, जब मैं बोलती थी कि ये लेट है लेट है, ये 2 दिन से लेट आ रही बेटा, ऐसे करो। तो गाइस मेरा काम सारा फिनिश हो चुका है और बस मुझे वंश के लिए बना रहा, टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। देखो अभी तक भी नहीं आई है सुनीता, तो हो गए ना बिना इन्फॉर्मेशन की छुट्टी। आप मेरी जगह होते देखो आपको भी आता ना गुस्सा, क्योंकि इंसान एक बार बर्दाश्त करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, ये हमेशा ये 3 दिन से ना 12:30 बजे आ रही, 3 दिन से, पर मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। और उससे पहले भी मैंने जैसे वीडियो बनाई थी, मैंने वीडियो शूट किया था, आपको बताया भी था कि ये लेट आ रही है, ये लेट आई है, कितनी बार ये नहीं आती तो मैं काम करती थी, फिर भी मैं इसको इग्नोर कर देती थी, मैंने कहा चलो ठीक है। आज देखो फिर इसने ऐसे किया, ना कोई फोन, ना कल कुछ बताया, ना कुछ, देखो ये सब चीज ये होता है। अब फोन जब मतलब जिस दिन इसको आना नहीं होता, जिस दिन इसको लेट आना होता है, उस दिन क्या करती है फोन को ऑफ कर देती है। और मुझे मेरे पास इसका बस एक ही नंबर है। हाँ एक बार इसने भी लड़की का भी नंबर दिया था, तो लड़की का नंबर दिया था, वो लड़की भी इसकी मतलब इसकी लड़की भी फोन नहीं पिक कर रही, कंटिन्यू मैं फोन कर रही हूँ भाई अगर तुमको नहीं आना है आप एक बार फोन कर दो, ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको छुट्टी नहीं देती, ये जब जब मेरे को बोलती ना भाभी मेरे को आज छुट्टी चाहिए, भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसको हमेशा छुट्टी देती। अब आप बताओ, तो इसलिए अब मैं और चीज नहीं, मैं ये सब कर सकती हूँ, इतनी छुट्टी लेट इतनी आती है, मतलब महीने में कम से कम ये मान लो 15 दिन लेट आती होगी, और लिमिट का भी होता है इसका, जो टाइमिंग है आने का वो है मॉर्निंग में 11 बजे, मैंने इसको टाइमिंग दे रखा है चलो तुम्हें लेट आना है तुम 11 से 12 बजा दो, लेकिन ये थोड़ी है कि तुम 1 से 2 बजे और रात के बर्तन होते हैं फिर सुबह ब्रेकफास्ट क्यों, तो क्या ये 2 बजे तक भिनकते रहेंगे बर्तन भी, और घर में काम, बच्चा भी छोटा है खेलता भी है, तो ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने फिर ये डिसीजन है कि इसको फिर मैं मना ही कर देती हूँ, क्योंकि अब मैं और तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये नहीं आती है लेट आती है, तब भी मुझे ही करना पड़ता तो फिर मैं ही ना कर लूँ काम पे। तो गाइस मुझे बस वंश के लिए फटाफट बना देती हूँ, टाइमिंग 2 बजे है, 2:10 हो गए, 2:15 है, बस फटाफट से इसके लिए बना देती हूँ और फिर इसको मैं खिला देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा है, इसे खिला के इसको फिर सुला देती हूँ। ये रो इसलिए रहा है क्योंकि एक तो भूख भी लगी है और इसको नींद भी आ रही है, ये इसलिए रो रहा है ये। बस आपके सॉक इसमें, वो सॉक्स के लिए छोड़ा के क्या खाओगी मैच, आपको क्या खाना है शुभ को?
खाऊंगी? बिस्किट दे दो छोला को, तो बिस्किट दे दो, चलो बिस्किट खाते हैं ना। ये अभी उठा है, टाइमिंग हो रहा है शाम के 6 बज रहा है। इसको मैंने जब खाना खिलाया था तो ऑलरेडी 3 तो बज ही गए थे, तो फिर इसको खाना खिलाया, फिर इसको सुलाया, तो फिर ये सो गया था, तो इसके साथ फिर मैंने भी रेस्ट कर लिया, है ना। पिंडी क्यों ले रहे हो बेटा? पिंडी ले ली, पिंडी ले ली, खाते तो बस। गैस अभी अब मैं बनाऊंगी राजमा चावल शाम को, राजमा चावल बनाऊंगी, तो इसको अभी दूंगी मैं दूध बिस्किट, और क्योंकि 6 तो बज चुके हैं, अभी जस्ट उठा है, दूध बिस्किट दूंगी से। तो इस वीडियो को गैस मैं यही एंड करती हूँ। अभी थोड़ा मूड मेरा ठीक हुआ क्योंकि मैं रील्स बना रही थी ना, तो उसे लिपस्टिक या आईलाइनर से लगा हुआ है। तो इस वीडियो को गैस मैं यही एंड करती हूँ, और आप प्लीज बताइएगा कि मतलब मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना, मतलब मीन्स आप ये सोचो कि यार ये कैसी है, देखो ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, मतलब देखो ये बहुत ये मतलब मैं इसीलिए मैं सुनीता की बात कर रही हूँ कि सुनीता ऐसा नहीं है कि आज ही हुआ है, मतलब मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ कि डेली होता है। आप डेली तो मैं उसको व्लॉग में नहीं लेकर आऊंगी ना, डेली तो मैं नहीं बोलूंगी ना आपको कि आज तो लेट हो गए आज तो हो गए, लेकिन मैं आपको यात्रा से यही बोलती हूँ अभी तक तो सुनीता नहीं आई। बट मैं इसको कितनी बार प्यार से, मैं इसके साथ फ्रेंकली रहती हूँ, आप भी मतलब पता होगा मैं बहुत फ्रेंक रहती हूँ इसके साथ, लेकिन शायद हो सकता है वही उसी चीज का समय को फायदा उठाया कि भाभी तो कुछ कहती ही नहीं है, शायद ये चीज है। तो मैं काफी बार उसको बोल चुकी कि बच्चा है मेरा, आप थोड़ा जल्दी आया करो, 11 से नहीं चलो 12 बजे तक आ जाया करो आप बेशक, क्योंकि मेरे को उसको खाना बनाना होता है, फिर इसको नहलाना भी होता है, मतलब इसके भी देखो बहुत काम होता है। अब खाली अगर उसी का वेट करते रहोगे तो बहुत वो हो जाएगा। तो अब वो बोलती है ठीक है, लेकिन वो ये कि उसने कभी इस चीज को मतलब ये बात उसने कभी नहीं मानी, वो करती फिर भी अपनी मर्जी। तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो मेरे घर में फ्री में कर रही है ना, ये भी तो नहीं है, वो काम करती है तो सैलरी लेती है, बस वही वाली चीज है। तो कोई बात नहीं, अगर उसका नहीं टाइमिंग सेट हो नहीं नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसको कई बार बोल भी चुकी हूँ भाई अगर तेरा टाइम सेट नहीं हो पा रहा है तो ठीक है मुझे बता दो, फिर मैं किसी और को रख लूंगी, लेकिन वो उसमें नहीं ठीक है। आप फिर 2 दिन 3 दिन मेरे कहने पर आती है, 2 से 3 दिन आती है टाइम पर, 11 बजे आ जाएगी, कभी 10:30 बजे आ जाएगी, लेकिन फिर उसका वही रहता। बट मुझे डेली डेली ना बोलना नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं बोलती भी नहीं थी। कितनी बार हो चुका है ऐसे करती है, कितनी बार हो गया कि 1 बजे फोन करती है कि भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं मैं नहीं आऊंगी, 1 बजे, वो 1 दिन पहले नहीं बताती, 1 बजे। बस वही चीज है, आप सोच लूंगी आप पूरे ब्लॉग में बस सुनीता का टॉपिक छेड़ा। अब सुनीता का टॉपिक इसलिए छेड़ा क्योंकि क्या करा आज मेरा मूड भी ऑफ हो गया, बस वही चीज है। तो आप मुझे बताइए गाइस कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ कि अगर मैं उसको ये बोलने वाली हूँ कल कि भाई ठीक है आप मत आना, अब मैं किसी और को देखूंगी, क्या मैं गलत कर रही हूँ? आप बताइए कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ, ठीक है मैं उसको एक मौका और देती हूँ, अगर वो चाह कहती है तो फिर ठीक है भाभी मैं जल्दी आऊंगी, तो उसको मैं उसको फिर अगर रख ही लूंगी। अगर आपको लगता है कि नहीं भी मैं गलत हूँ या फिर नहीं वो तो ठीक है, तो आप ये चीज आप प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं नहीं चाहती कि मैं उसको उस पर गुस्सा करूँ या मैं उसको बोलूँ कि ठीक है मत आना, और आप ये सोचो कि यार ये कैसी है कैसे मतलब इतनी जल्दी निकाल दी, तो वो चीजें मतलब वो अच्छा नहीं लगता है मेरे को, इसलिए आप मेरे को बताइएगा कि अगर मैं गलत कर रही हूँ तो, और नहीं तो फिर मैं सोच रही मैं ही करूँगी काम, मतलब मैं ही करूंगी जब तक मुझे नहीं मिल जाती मेरे टाइमिंग के हिसाब से, जो 11 बजे आए जल्दी करके चली जाए, तो तब तक मैं ही करूंगी, बस यही है। तो गाइस मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ, आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वंश अभी सो के उठा है, बस इसको दूध बिस्किट दूंगी, अभी ये फोन का ही वेट कर रहा है कि मम्मा का वीडियो को एंड करे और मुझे फोन मिले, वही चीज है। तो इसको बस आपसे वीडियो को एंड करने के बाद इसको सबसे पहले मुझे फोन ही देना है, क्योंकि जब तक फोन नहीं देखेगा ये कुछ नहीं खाएगा, तो इसलिए मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। तो फिर मिलती फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस खुश रहें, मुस्कुराते रहें।
बाय, गुड नाइट।